उज्जैन के टावर चौक पर संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान को लेकर दी जानकारी और फिर सम्मान समारोह संपन्न हुआ। उज्जैन के टावर चौक पर संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत पहले जानकारी दी गई, फिर कार्यक्रम में मौजूद लोगों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। उज्जैन जिला अजाक संघ के द्वारा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहता है कि हमारे देश में संविधान कानून और देश को जान सके, इसी को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इतिहास द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। धन्यवाद। जय भीम। जय भारत। किस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, किस प्रकार से क्या रहा? यह जिला उज्जैन एवं रविदास समाज द्वारा संत श्री रविदास महाराज जयंती बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाई गई। इसके अंतर्गत अजाक्स ने अपने संवैधानिक पहलू को बल दिया और संविधान की शपथ विभिन्न रविदास समाज के 11 शक्तिपीठ में जाकर मनाई गई और इसमें चित्रा तट पे 1100 करीब दीप जलाए गए और इसी तरह से जो खांडेकर जी वाली संत रविदास संस्थान है वहाँ पर जो है संविधान का वाचन किया गया। खाट चौक पर भी संविधान की शपथ का वाचन किया गया संतोष शर्मा जी के यहाँ पर। इस तरह से अजाक्स ने जो है संविधान की शपथ विधि का आयोजन किया और संत रविदास की जयंती भी मनाई गई और जो जुलूस चल समारोह निकाले गए थे उनकी पुष्पमाला से संविधान की शपथ दिलाकर उनका वो किया। सर बताइए किस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और किस प्रकार से क्या रहेगा? संत रविदास जयंती समारोह के जो जितने भी अनुयायी थे उन्होंने जो चल समारोह निकाला उसका हमने सम्मान किया अजाक्स जिला उज्जैन के माध्यम से डॉक्टर आर एल परमार के नेतृत्व में और हम एक जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका संविधान बचाओ देश बचाओ उसको लेकर हमने ये सम्मान समारोह आयोजित किए जिसमें संविधान सुरक्षित रहे इसकी ये मूल बात। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।